नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। छकड़ा देश पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। विश्व भर में इस्लामिक आतंकवाद के लिए बदनाम ये मुल्क अब अपनी गरीबी और भीख मांगने की आदत के चलते कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत बन गया है। मुसीबत भी ऐसी कि पाकिस्तान के दोस्त तुर्की से लेकर पूरा यूरोप और ब्रिटेन भी आग बबूला हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान पर जितने एक्शन हो रहे हैं उतने ही विदेशों में गुंडागर्दी और आतंक फैला रहे पाकिस्तानी नागरिकों की भी बजाई जा रही है। इस सूची में ब्रिटेन ने कूदकर पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। वजह यही है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कचरा भर गया है। जिस जाहिल को देखो वह ब्रिटेन में जाकर गधैया नृत्य कर रहा है। पिछले दिनों इस चैनल ने बोलिविया जैसे एक छोटे से देश पर रिपोर्ट पेश की थी जहां पाकिस्तानी मुसलमानों की ठुकाई करके उन्हें वहां से भगाया गया है। इस देश में इन्होंने अवैध रूप से प्रवेश करके वहां भी इस्लामिक आतंकवाद फैलाने की कोशिश की थी। यही नहीं है, जाहिल वहां मस्जिदें और जिहाद के मदरसे खोलने के इरादे बना रहे थे, लेकिन बोलिविया सरकार के एक्शन के बाद इन्हें तहमत उठाकर वहां से भागने को मजबूर होना पड़ा है। यही नहीं, इन्हीं जाहिल पाकिस्तानियों ने यूरोप के देशों में आतंक मचाया हुआ है। लगभग 40,000 पाकिस्तानी हर साल ईरान और तुर्की के रास्ते यूरोप में घुसपैठ कर जाते हैं। इन जाहिलों की वजह से यूरोप की सुरक्षा लगातार चुनौती बन रही है। भीख मंगे और आतंकी पाकिस्तानी पूरे यूरोप में फैल चुके हैं और गंभीर अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी राजनयिक और विदेश में नियुक्त अधिकारी भी खुद अपराध में लिप्त हैं। बोलिविया, तुर्की, यूरोप के बाकी देशों के बाद अब ब्रिटेन भी पाकिस्तानी नागरिकों की तसरीफ तोड़ने के लिए मैदान में उतर गया है। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि उसे अपने अवैध नागरिकों को वापस लेना पड़ेगा। ब्रिटेन उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। खास बात यह है कि प्रीति पटेल की धमकी के बाद पाकिस्तान के आंतरिक सचिव यूसुफ नसीम खोकर को एक ऐसा समझौता करने को मजबूर होना पड़ा जिसके बाद ब्रिटेन में रहने के कानूनी अधिकार नहीं रखने वाले पाकिस्तानी जाहिलों को वापस पाकिस्तान भगाया जाएगा। दरअसल 2011 की जनगणना के वक्त ब्रिटेन में पाकिस्तानी जाहिलों की संख्या 11,70,000 के करीब थी, जो अब 2 मिलियन को पार कर चुकी है। यूके को पाकिस्तानी जाहिलों का सबसे बड़ा घर माना जाता है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि 1951 में महज 10,000 पाकिस्तानी ब्रिटेन में मौजूद थे, लेकिन इन्होंने न सिर्फ ज्यादा बच्चे पैदा करके आबादी बढ़ाई बल्कि बड़ी संख्या में अपने हमवतनों की यूके में घुसपैठ भी कराई है। अब इस अंग्रेज मुल्क के कई हिस्सों में इन जाहिलों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है और ब्रिटेन इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। जानकर हैरानी होगी कि वेल्स में 90% आबादी मुसलमानों की है, जहां मस्जिदों और मदरसों की भरमार है। इन इलाकों में पुलिस भी जाने से परहेज करती है। यूके होम ऑफिस के आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान के नागरिक इंग्लैंड और वेल्स की जेलों में 7वीं सबसे बड़ी संख्या में विदेशी अपराधी है। इनकी तादाद 2,500 के करीब है। ऐसा अनुमान जताया जाता है कि ब्रिटेन में करीब 3 लाख से ज्यादा अवैध पाकिस्तानी घुसपैठ कर चुके हैं, जिनमें अधिकतर भीख मांगने, चोरी, डकैती और हत्या करने जैसे अपराधों में लिप्त हैं। इन अपराधियों को मुस्लिम बहुल इलाकों में शरण दी जाती है। यही नहीं, ब्रिटेन की मस्जिदें भी आतंकियों की पनाहगाह बन गई है, जिससे ब्रिटेन के सामने सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो रही है। लेकिन अब भारत मूल की प्रीति पटेल ने इन जाहिलों को नापने का संकल्प लिया है तो इनकी मुल्लागिरी डंडे के नीचे चीखती चिल्लाती नजर आएगी। पाकिस्तान के साथ हुए समझौते के बाद अवैध रूप से घुसे पाकिस्तानियों की अब तुड़ाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।